हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टीएस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। But before we start the class, I will suggest you to watch the video in full and listen to the explanation so that you get the concept right. Fine? And if you find the video informative, please like, subscribe and share the channel. So, valuation of goodwill by super profit method, question number 15 we will discuss. The capital of the firm of Anju and Binu is rupees 10 lakh. And the market rate of interest is 15%. यहाँ देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो इसमें इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दिया होगा क्वेश्चन में, जिसका इस्तेमाल करके हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज सुपर प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, फाइन, एंड वॉट आर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू सी इन द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कैपिटल दिया हुआ है, दोनों ही पार्टनर हैं, उनका कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीस, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब कि जितना भी अमाउंट पार्टनर्स ने फर्म में इन्वेस्ट किया है, अगर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना रुपये उन्हें मिलता, 15% उनको अपने इन्वेस्टमेंट में मिलता, जो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट है। फाइन, नाउ एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज रुपीज 60,000 ईच। पार्टनर सैलरी भी ले रहे हैं 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेर रुपीज 3 लाख, रुपीज 3,60,000 एंड रुपीज 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। नाउ इस सेंटेंस से हम पता चलता है कि गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहां लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। सो पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और इसको समझना भी होगा कि ये सुपर प्रॉफिट क्या है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसे हम 2 ईयर्स परचेस दिया हुआ है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी आवर अमाउंट ऑफ गुडविल। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। So let us see the solution in detail. So solution 15, valuation of goodwill by super profit method. सबसे पहले हम जानेंगे कि super profit होता क्या है। Super profit is equal to actual. So super profit is equal to actual average profit minus normal profit. So ये formula हमें इस्तेमाल करना है जब भी super profit से गुडविल कैलकुलेट करना है। तब यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज हो रहा है, यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इसे भी आप समझिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म। फर्म का जो वास्तव में प्रॉफिट हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसे हम एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। और एवरेज वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में 3-4 साल का एक्चुअल प्रॉफिट का एवरेज निकालने को कहता है। सो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि वो रेट ऑफ प्रॉफिट जो कि मार्केट में प्रिवेलिंग है। मतलब एक ही अमाउंट अगर 3-4 बिजनेसमैन अगर सेम अमाउंट से बिजनेस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबको बराबर प्रॉफिट हो रहा हो, सबका प्रॉफिट उतना ही हो, जरूरी नहीं है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। अब किसी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी ग्राहकी ज्यादा है, एज ए रिजल्ट उसका गुडविल भी ज्यादा है। सो नॉर्मल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में सजेस्टेड होता है, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल इन्वेस्टेड को हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड से, परसेंटेज दिया रहता है क्वेश्चन में। सो इससे हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो वास्तव में फर्म ने कमाया है, उसको हम कंपेयर करेंगे, और जितना भी ज्यादा आता है प्रॉफिट, उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज है, जो कि हम
क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट से एवरेज निकालेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट दोनों ही आपको क्वेश्चन में से ही लेना है। रेट जो भी सजेस्टेड हो, कभी 8% दिया होता है, कभी 12%, 15%, 10%, ये परसेंटेज में दिया होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के कैपिटल को आप ऐड करेंगे तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है फर्म ने, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो भी इनकम सजेस्ट होता है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्चुअली फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है उससे कंपेयर करते हैं, तो ज़्यादा ही होता है फाइन, और वही ज़्यादा जो है सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सो व्हाट विल बी द गुडविल देन? गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नाउ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में भी दिया होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है कि एक्सपेक्टेड, मतलब इतना सुपर प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड फॉर द कमिंग फ्यूचर ईयर्स। अगर 2 ईयर्स दिया है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही सुपर प्रॉफिट फर्म आने वाले 2 सालों में भी कमा ही लेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाइड है, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द सेम सुपर प्रॉफिट विल बी मेंटेन्ड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ज़्यादा नहीं होता है, कम नंबर रहता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसा होता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, इसलिए हम बहुत दूर तक का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, पास का ही फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और उसी के दम पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ₹10 लाख एंड रेट भी दिया हुआ है हमें, रेट इज इक्वल टू 15%। सो 10 लाख रुपए लगाने पर 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू ₹1,50,000। मतलब बाजार में जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो 15% है और आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर इस बाजार की दर से आपको 1,50,000 रुपीज कमाते अगर आप, तो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिए हुए 3 साल के प्रॉफिट को देखना है और उसमें हमें लेस करना है सैलरीज। सो हम इसमें से सैलरीज लेस करेंगे। 3 साल का प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा हुआ है और क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों ही पार्टनर को 60,000 रुपीज सैलरी मिलती है, मतलब 60 + 60 इज 1,20,000। सो वी विल डिडक्ट 1,20,000 फ्रॉम ऑल द 3 ईयर्स। सो हमारा जो अब प्रॉफिट आ गया है वो है ₹1,80,000, देन ₹2,40,000 एंड ₹3,00,000। अब ये वो प्रॉफिट है जिनका हमें एवरेज निकालना है। सो हम पहले टोटल कैलकुलेट कर लेंगे इसका। टोटल इज इक्वल टू ₹7,20,000, फाइन। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल बट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹7,20,000, दैट इज द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करेंगे, यह आ गया ₹2,40,000, फाइन। अब यहां इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पर 1,50,000 रुपीज का इनकम जनरेट होना चाहिए था, लेकिन फर्म की हालत इतनी स्ट्रांग है कि उनको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ₹2,40,000। तो फर्म का गुडविल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ कि फर्म ज़्यादा कमा रही है। बाकी लोग अगर 1,50,000 कमा रहे हैं एट एन एवरेज और फर्म को अगर ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप समझिए कि यही आपका सुपर प्रॉफिट है। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज है ये, माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाया हुआ प्रॉफिट, दैट इज 1,50,000। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹90,000। नाउ बेस्ड ऑन दिस 90,000 वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, सो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000. दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर द फर्म. ये फर्म का गुडविल है, टोटल फर्म, फर्म का टोटल गुडविल. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16. अतुल एंड बिपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड रुपीज 50,000. सो दिस इज द कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड. फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि दोनों का मिला करके कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज हाउ मच, 50,000 रुपीज. ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर रुपीज 16,000. और हमें यहाँ एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%. और जिस भी इंडस्ट्री में फर्म है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है. मतलब अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% कमाना एक नॉर्मल प्रॉफिट को इशारा करता है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड. सो यहाँ क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा है कि जो एक्सेस है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस अमाउंट फर्म कमा रही है उसका 4 years परचेज, मतलब वही सुपर प्रॉफिट फर्म एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले 4 years तक वो कमा पाएंगे, कम से कम उतना तो कमा पाएंगे. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. सो कैपिटल एम्प्लॉयड एज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन इज रुपीज 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो गिवन 15%. सो 50,000 का 15% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा रुपीज 7,500. मतलब 50,000 पर नॉर्मली 15% का रिटर्न ही मिल रहा है मार्केट को, दैट इज रुपीज 7,500 हमें कमाना चाहिए था. लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट एज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू रुपीज 16,000. फाइन, कब फर्म को ज्यादा ही कमाई हो रही है, नॉर्मल प्रॉफिट से तो बहुत ऊपर है. सो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 7,500, विच इज इक्वल टू रुपीज 8,500. फाइन, सो दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट. बेस्ड ऑन दिस सुपर प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एज गिवन इन द क्वेश्चन इज 4 years. सो 8,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू रुपीज 34,000. दिस इज अवर गुडविल एंड दिस इज द आंसर. सो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है. और मेरा सजेशन है कि आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, एक बार दो बार अपने समझ में आते तक आप उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए. एंड डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन CBSE एग्जाम्स इन क्लास 12. फाइन, सो यू हैव टू ग्रो इन परफेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एज वेल एज इन कैलकुलेशन. सो स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स बिकॉज बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे खासे रहेंगे, 20-25 क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसको आपको समय पर सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है. सो ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा. Overnight, you cannot master all these things. Now, let us see question number 17. Total capital of the firm of Sakshi, Mehak and Megha is rupees 1 lakh and the market rate of interest is 15%. The net profit for the year, the net profits of the last 3 years were rupees 30,000, rupees 36,000 and rupees 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. So, हमें यहाँ 3 years का profit दिया हुआ है, इसका हम average निकालेंगे तो ये average profit आ जाएगा और इसको हम normal profit से compare करके super profit निकालेंगे, फिर goodwill calculate करेंगे. Let us see the solution.
सॉल्यूशन 17, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. सो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है. सो लेट अस कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ₹1 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. सो नॉर्मली अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर 15,000 रुपीज़ का रिटर्न फर्म को मिलना चाहिए था, लेकिन इनका एक्चुअल प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है, ₹30,000 फर्स्ट ईयर का, देन ₹36,000, देन ₹42,000. ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और इसका एवरेज निकालने के लिए आप उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 3 है. इस तरीके से ये आ जाएगा ₹1,08,000 डिवाइडेड बाय 3. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹36,000. देखिए नॉर्मली मार्केट में क्या कंडीशन चल रहा है, 15,000 रुपीज़ हमें कमाना चाहिए था, फर्म को इतना इनकम मिलना चाहिए था, लेकिन फर्म का प्रॉफिट 36,000 है. सो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ देन? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दैट इज 36,000, जो कि वास्तव में फर्म ने अर्न किया है, और जबकि उन्हें कम से कम इतना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना था. तो इसमें इस फर्म में कुछ खास बात है कि इनका प्रॉफिट ज़्यादा है, और उसी को ही हम सुपर प्रॉफिट कह रहे हैं कि जो नॉर्मल से ज़्यादा है. सो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹21,000. फाइन, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया. अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नाउ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2 की 1. इसका मतलब ये है कि फर्म का ये मानना है कि यही सुपर प्रॉफिट अगले 2 साल भी फर्म कमाएगी, और यही हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का बेस है. सो 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 42,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म एंड दिस इज अवर आंसर. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. द बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो यहाँ एवरेज प्रॉफिट तो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है. द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, और रेट भी हमें दिया हुआ है कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल प्रॉफिट 10% की दर से मिलना चाहिए. द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वेर ₹22 लाख एंड ₹5,60,000 रेस्पेक्टिवली. यहाँ हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ है, और इन दोनों को माइनस करने से ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगा, जिसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट होगा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 18, we have to calculate goodwill by super profit method, and super profit is equal to actual profit minus normal profit, and normal profit is equal to capital employed into normal rate of return. ये दोनों ही हमें question में मिलना चाहिए. Now इस question में indirectly ही बात की गई है कि capital employed हमें खोजना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. यहाँ लाइबिलिटीज का मतलब है करंट लाइबिलिटीज. अगर हम बैलेंस शीट के टोटल में से करंट लाइबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि क्वेश्चन में हमें इसी भाषा में बात की गई है. तो हम ऐसे ही समझेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड है टोटल एसेट्स है ₹22 लाख, और करंट लाइबिलिटीज जो कि साफ साफ तो नहीं लिखा है लेकिन हमें समझना ही है इसे, ये है ₹5,60,000. When you subtract it, that is your capital employed, which is ₹16,40,000. ये हमारा capital employed आ गया. अब हम normal profit calculate कर सकते हैं क्योंकि rate of return भी question में दिया हुआ है जो है 10%. So normal profit is equal to
कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 1,64,000। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड ₹8,00,000। फाइन, एक्चुअली फर्म ₹8,00,000 कमा रही है जबकि इन्हें नॉर्मली 1,64,000 ही नॉर्मल प्रॉफिट है। तो जितना भी ये ज़्यादा कमा रही है यही फर्म का सुपर प्रॉफिट है एंड दिस एक्सेस अमाउंट इज ₹6,36,000। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 6,36,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में 2.5 ईयर्स दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि फर्म एक्सपेक्ट करती है कि यही सुपर प्रॉफिट आने वाले 2.5 साल तक फर्म को कम से कम मिलता रहेगा। सो इन दिस वे अवर गुडविल इज ₹15,90,000। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म इज ₹36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2,00,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000 पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 19। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू रेट एज गिवन इन द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ₹2,00,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में ही सजेस्टेड है 10% पर एनम। सो 10% के हिसाब से हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर हमें ₹20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने अपनी मेहनत से अपने रेपुटेशन से कमाया है वो है ₹36,000। और इस 36,000 में हमें पार्टनर्स के सैलरी को डिडक्ट करना है। एस्टिमेटेड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स इज ₹6,000। सो वो एलिमिनेट करने के बाद भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है ₹30,000, जो कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा ही है। इस तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट ₹30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ₹20,000 दैट इज इक्वल टू ₹10,000। फाइन एंड गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस का मतलब यह है कि फर्म यह एक्सपेक्ट करता है कि यही सुपर प्रॉफिट आने वाले 2 सालों तक बरकरार रहेगा फर्म के लिए। सो इस बेसिस पर फर्म यह कह सकती है कि इनका गुडविल 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू ₹20,000 का है। सो दिस इज अवर आंसर एंड दिस इज हाउ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। Now let us see question number 20. A partnership firm earned net profits during the last 3 years ended 31st March as follows. 2020 it is 17,000, 2021 it is 20,000 and 2022 it is 23,000. Capital investment in the firm throughout the above mentioned period has been ₹80,000. So capital employed हमें दिया है ₹80,000 और यहाँ जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इससे हम एवरेज निकाल के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। सो
फेयर रिटर्न कितना है, 15% है, मतलब 80,000 का 15% नॉर्मल प्रॉफिट है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अबाउ मेंशनड 3 ईयर्स, और हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 20, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होती है। सो वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹80,000, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 15%। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फर्म का होना चाहिए था ₹12,000, बट फर्म के अर्निंग्स कुछ और है। 3 साल का अर्निंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2020 का अर्निंग्स है ₹17,000, 2021 का ₹20,000, 2022 का ₹23,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें इनका ग्रैंड टोटल करना है, उसके बाद हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 3। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000। अब इस 20,000 को नॉर्मल प्रॉफिट से हम कंपेयर करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज सुपर प्रॉफिट इज। सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ₹20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ₹12,000, विच इज इक्वल टू ₹8,000। यह हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। परचेस सजेस्टेड इन द क्वेश्चन इज 2 ईयर्स। सो गुडविल इज इक्वल टू ₹8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू ₹16,000। दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप यू आर फाइंडिंग द वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज गिव इट अ लाइक, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। On 1st April 2022, an existing firm had assets of ₹75,000, including cash of ₹5,000. Its creditors amounted to ₹5,000 on that date. Creditors matlab current liability, right? The firm had a reserve of ₹10,000, while partners' capital accounts showed a balance of ₹60,000. So firm ke paas ek undistributed profit bhi hai ₹10,000 ka, और फर्म का कैपिटल जो है, मतलब जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो है ₹60,000। ये सारे पार्टनर्स का मिलाकर 60,000 है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। अब इस क्वेश्चन में बात उल्टी कही गई है। यहाँ हमें फर्म का गुडविल ₹24,000 दिया है और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म। फाइन, यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, नॉट द गुडविल। गुडविल इज ऑलरेडी मेंशनड इन द क्वेश्चन ₹24,000, विच इज इक्वल टू 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन 21st, हमें क्वेश्चन में पहले से ही गुडविल दिया हुआ है और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइन, एंड गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है ₹24,000। सो 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। फाइन, सो इस तरीके से हम इसमें से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000
इज 24,000 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू रुपीज 6,000। यह हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हमें पता है, वो है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और क्वेश्चन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट ही खोजना है, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट की भी जरूरत है। सो लेट अस कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आप गौर से देखिए तो सारे पार्टनर्स का कैपिटल हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 60,000। ये तो कैपिटल है ही, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कैपिटल ही होता है, राइट। सो ये हमारा हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड 70,000, और इस 70,000 पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में सजेस्टेड है वो है 20%। तो हम इसका 20% निकालेंगे, 70,000 का 20% आता है रुपीज 14,000, फाइन। नाउ इस 14,000 को और इस 6,000 को हम इस फॉर्मूला में फिट करेंगे। सो सुपर प्रॉफिट हमें पता है 6,000 है, सो व्हेन वी अप्लाई इट इन दिस, इट इज 6,000 इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 14,000। व्हेन वी ट्रांसपोज इट देन वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट। ये माइनस 14,000 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से ये 6,000 के साथ प्लस हो जाएगा। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000, ये इधर आकर के हो जाएगा प्लस 14,000 विच इज इक्वल टू रुपीज 20,000। सो दिस इज अवर आंसर, एंड एक्चुअल प्रॉफिट इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द मिसिंग फिगर यू कैन फाइंड बिकॉज सारे फॉर्मूलाज हमें पता है, फाइन। प्लीज वॉच द वीडियो इन फुल, डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक प्रॉपरली। Now, let us see question number 22. Average profit of a firm during the last few years is rupees 2 lakh. Average profit to question mein diya hua hai. And the normal rate of return in a similar business is 10%. If the goodwill of the firm is rupees 2,50,000 at 4 years purchase of super profit. Yahan goodwill bhi hame diya hua hai, jo ki super profit ka 4 times hai. Find the capital employed in the firm. Let us see the solution. So, solution 22nd. So, question में हमें goodwill का amount दिया हुआ है जो कि rupees 2,50,000 है. So, 2,50,000 is equal to super profit multiplied by 4 years purchase भी suggested है 4. So, हमारा super profit calculate हो गया. Super profit is equal to rupees 2,50,000 divided by 4. इट इज इक्वल टू रुपीज 62,500, फाइन। अब सुपर प्रॉफिट भी हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। इट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 62,500 इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें पता लगाना है अभी। So, normal profit is equal to 2 lakh minus 62,500 which is equal to rupees 1,37,500। ये आ गया हमारा normal profit, बट क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट का स्ट्रेट है संबंध, फाइन। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। हम जो मालूम है उसे हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया है 1,37,500। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, इसे कैलकुलेट करना है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। So in this way, when we transpose it, we can easily calculate capital employed for the question. So capital employed is equal to 1,37,500 multiplied by 100 divided by 10, which is equal to
रुपीज 13,75,000. दिस इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस इज अवर एसेट. सो इन दिस वे अ मिसिंग फिगर कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज. और ये पोर्शन बहुत ही आसान है समझना. और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के जैसे क्लास 8 मैथमेटिक्स की तरह पढ़ रहे हैं, ये एक आगे चल के एक बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा रहेगा. सो यू हैव टू मास्टर दिस, यू हैव टू मास्टर योर कैलकुलेशंस, यू हैव टू मास्टर योर रीडिंग कैपेबिलिटीज लाइक गेटिंग द क्वेश्चंस राइट. इफ यू कैन नॉट गेट द क्वेश्चन राइट, इफ यू कैन नॉट फिगर आउट, देन इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग टू आंसर कि करना क्या है. फाइन, सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट यू ग्रो इन द राइट डायरेक्शन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू प्लीज पुट इट